लिटरली भाई तुम में से काफी सारे बंदे बुबाई गैलेक्सी सीजन 2 के फर्स्ट दो आर्क विनर को देख चुके हो। अब भाई तुम लोग का इंतजार है बुबाई गैलेक्सी सीजन 2 के थर्ड आर्क गंतार के लिए, जो भाई 2024 के दिसंबर को आएगा, यानी कि इस साल के दिसंबर को। और हाँ भाई, तुम लोग जानते हो बुबाई गैलेक्सी सॉरी और बुबाई गैलेक्सी विंडरा के इन दोनों आर्क के कहानियां काफी डिफरेंट है कॉमिक के अल्टरनेटिव यूनिवर्स और मेन पैराबर्स में, बिकॉज भाई दोनों अलग अलग यूनिवर्स को फॉलो करता है। बुबाई गैलेक्सी सीजन 2 के थर्ड आर्क में यानी कि गंतार में कहानी कैसा होगा और भाई कहानी में क्या क्या चेंजेस होंगे सब कुछ भाई जानने का ट्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी उसके स्टडी ओंड। तो भाई अल्टरनेटिव यूनिवर्स यानी कि कॉमिक के कहानी के बेसिस पे हम लोग भाई गंतार आर्क के स्टार्टिंग को एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं और जान लो भाई कॉमिक के यूनिवर्स पे गंतार आर्क में थे टोटल 3 इश्यूज। और हाँ भाई जान लो गंतार आर्क के टोटल 4 एपिसोड्स होंगे इन एनिमेशन और इन मेन यूनिवर्स। इन कॉमिक यूनिवर्स के स्टार्टिंग में बाबूभाई का टीम यानी कि सिर्फ बाबूभाई और गोपाल, हाँ भाई सिर्फ बाबूभाई और गोपाली थे रोजाना की तरह दादूलाल के शॉप पे। एक दिन सुबह को सिर्फ भाई एक ही हफ्ते हुए थे विंडरा से आए हुए, इसलिए भाई सब लोग काफी थके हुए थे, इसलिए भाई सब लोग बेकार के बातें कर रहे थे, अनयूजुअल बातें कर रहे थे टाइम पास के लिए। और हाँ भाई ये सब बातें कॉमिक के यूनिवर्स में काफी कम समय तक चला था, पर भाई एनिमेशन या फिर मेन पैराबर्स में ये सब बातें भाई और भी लंबे समय तक और भी एक्सपेंड होकर चलेगा, बिकॉज भाई हम लोग को बोर करना है। मजाक से हटके मेन पैराबर्स में कहानी एक्सपेंड होगा, कुछ देर पहले भी कहा था 4 एपिसोड होंगे, इसलिए भाई हर एक समय को ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, वो वैल्यू लेस हो या फिर वैल्यूएबल। और हाँ भाई मुझे मोटिवेट करने के लिए तुम मुझे हेल्प कर सकते हो इस वाले वीडियो पे एक लाइक करके, अगर भाई यहाँ तक देख के मजा आ रहा है तो अब फिर से आगे बढ़ते हैं। और भाई उसके बाद बाबू बॉय की टीम को यानी कि बाबू बॉय गोपाल और क्वाली को कमांडर कोकोची अंडरग्राउंड द पॉप्स में बुलाते हैं, बिकॉज भाई काफी एक सीक्रेट और काफी एक इम्पोर्टेंट मिशन था जो भाई उन लोग के बगैर क्लियर करना इम्पॉसिबल था। तो भाई उसके बाद अंडरग्राउंड द पॉप्स पे जाने के बाद भी पता लगता है मचीना नाम के एक प्लेनेट पे, जहाँ पे वही काफी बड़ा एक एस्टेरॉयड भी था, जहाँ पे वही काफी बड़ा एक फैक्ट्री था जिसका नाम था न्यूबॉट फैक्ट्री, बिकॉज भाई इस फैक्ट्री में था ऐतिहासिक पावर्स पेरा न्यूबॉट। और भाई इतने खतरनाक लेवल के फैक्ट्री को कोई ह्यूमन या फिर कोई एलियन कंट्रोल नहीं करता था, इसे भाई पूरे के पूरे कंट्रोल करता था AI रोबोट। और भाई इसीलिए कुछ गड़बड़ी हुआ था इस फैक्ट्री में, और भाई इसीलिए ही बाबूभाई की टीम को जाना पड़ेगा इस फैक्ट्री में। और भाई अभी भी समय है भाई कान पे ईयरफोन ठोको और भाई वीडियो के मजा और भी अच्छे से उठाओ। पर भाई जाने के समय को स्पेसशिप के कमी होने के वजह से बाबूभाई की टीम को एक काफी पुराना लगभग 25 साल पुराना स्पेसशिप दिया जाता है, बिकॉज भाई ये वाला स्पेसशिप कोकोची का फेवरेट था। तो भाई स्पेसशिप पुराने होने के वजह से स्पेसशिप को चलाने में दिक्कत हो रहा था, पर भाई चल गया था। और भाई उसके बाद ही ऑटोबॉट स्पेसशिप को टेलीपोर्ट करके प्लेनेट मचीना पे ले जाता है, और भाई अल्टीमेटली उस वाले फैक्ट्री में एक भी लाइट्स ऑन नहीं थे, बिकॉज भाई वहां का इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर रहा था, और भाई ऊपर से ग्रेविटी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए भाई बाबूभाई की टीम को स्पेस सूट पहनना पड़ा था। और भाई ऊपर से इन सब के बाद भी ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा था सही से, इसलिए भाई बाबूभाई की टीम को स्पेस सूट में ही ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना पड़ा था, जो भाई एनिमेशन या फिर मेन पैराबर्स में भी होगा। तो भाई जो भी एट लास्ट बाबूभाई की टीम के फैक्ट्री में उतरने के बाद भाई एक काफी मिस्टीरियस रोबोट के साथ मुलाकात होता है, जो भाई अल्टीमेटली एक नॉर्मल AI रोबोट होता है, और वो भाई फैक्ट्री को संभालने का काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी एक चीज का कमी रहता है, वो है कि ये वाला रोबोट प्रॉपरली एक्टिव नहीं होता, इसलिए भाई उन लोग को एक्टिव करना पड़ता है मींस बाबूभाई की टीम को। और भाई वो वाला रोबोट ही बाबूभाई की टीम को कंट्रोल रूम पे ले जाता है, जिससे भाई वो लोग फैक्ट्री का दिक्कतों को सॉल्व कर पाए। और भाई कंट्रोल रूम पे जाके ऑटोबॉट हर एक सिस्टम को एक्टिव करता है, और हाँ भाई ऑक्सीजन को भी एक्टिव करता है, नॉर्मल करता है, और हाँ भाई उसके बाद ग्रेविटी को भी एकदम अच्छे खासे नॉर्मल करता है लाइक अर्थ। और भाई उसके बाद बाबूभाई की टीम सूट्स को यानी कि स्पेस सूट्स को उतार देते हैं, बिकॉज भाई सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। पर भाई तभी ऊपर से काफी खतरनाक लेवल का मॉन्स्टर आके उस वाले सेक्रेटरी रोबोट को कैप्चर कर लेता है, और भाई उसके बाद बाबूभाई की टीम के ऊपर भी हमला करता है। और हाँ भाई वो वाला मॉन्स्टर एनिमेशन में या फिर मेन पैराबर्स में कुछ ऐसा दिख सकता है, और भाई मिस्टीरियसली वो वाला खतरनाक मॉन्स्टर उस वाले सेक्रेटरी रोबोट को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लेता है, जिससे भाई वो रोबोट एक मॉन्स्टर बन जाता है। और हाँ भाई उसे वो वाला मॉन्स्टर अपने शरीर के द्वारा कंट्रोल करने में कैपेबल होता है, जैसे भाई ज़ॉम्बीज अगर किसी को काटते हैं तो भाई वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, वैसे ही भाई ये वाला मॉन्स्टर भी अगर किसी को कैप्चर करता है तो भाई उसके बॉडी को अपने बॉडी के साथ मर्ज करके एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देता है अपने साथ ही। और भाई उसके बाद हद पार करते हुए वो वाला मॉन्स्टर ऑटोबॉट को भी कैप्चर करने का कोशिश करता है, पर भाई बाबूभाई थंडरस्टॉर्म पावर को इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। गोपाल भी काफी कुछ करने का कोशिश करता है, पर भाई कुछ उखाड़ नहीं पाता, और भाई अल्टीमेटली क्वाली
भी काफी कुछ करने का कोशिश करता है पर वह कुछ उकार नहीं पाता और वह अल्टीमेटली बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म भी कुछ उकार नहीं पाता। देन वह बोबो बॉय क्विक में ट्रांसफॉर्म होके एक काफी बड़े गोलम को ले आके उस वाले रोबोट को उस वाले मॉन्स्टर के बॉडी से अलग करता है। देन वही फाइनली ये वाला रोबोट अलग होके फिर से नॉर्मल हो जाता है। पर वही उसके बाद पता लगता है कि वही उस मॉन्स्टर के अंदर और भी एक रोबोट छुपा हुआ है, वो है प्रोब। यानी कि ये वाला मॉन्स्टर अपने अंदर प्रोब को भी कैप्चर करके ठूस के रखा था। देन वही ये वाला मॉन्स्टर फिर से एक्टिव हो जाता है और वही बोबो बॉय की टीम के ऊपर फिर से हमला करने लगता है, जिससे वही फाइनली बोबो बॉय अपने फ्रॉस्ट फायर फ्यूजन को इस्तेमाल करने का ठान लेता है। पर वही गोपाल के मजाक बनाने के कारण बोबो बॉय अपने ने फ्यूजन गंतार को इस्तेमाल करता है। पर ये होता है सिर्फ कॉमिक की यूनिवर्स पे, पर वही एनिमेशन या फिर मेन पैराफर्स में कुछ अलग होगा। हैव ए चांस इन एनिमेशन वर्जन लाइक बोबो बॉय गैलेक्सी विंडारा, जैसे भाई बोबो बॉय सुपरा का अपीयरेंस हुआ था वैसे भाई एनिमेशन या फिर मेन पैराफर्स में बोबो बॉय फ्रॉस्ट फायर का अपीयरेंस हो गंतार आर्क में भी। उसके बाद वही हो सकता है बोबो बॉय गंतार का अपीयरेंस हो यानी कि रंबल का, और वही शायद बोबो बॉय फ्रॉस्ट फायर के अपीयरेंस होने के बाद ही एपिसोड 1 का एंडिंग हो जाएगा। और हां भाई उसके बाद ही हमें एपिसोड 2 में बोबो बॉय गंतार का प्रॉपर अपीयरेंस दिखाया जाएगा। देन एपिसोड 3 में बोबो बॉय गंतार के एकदम प्रॉपर पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाएगा और उसके बाद वही एपिसोड 4 में जाके फाइनल युद्ध दिखाया जाएगा। सो वही पूरे आर्क को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना वो भी भविष्य में मेन पैराफर्स में क्या होगा वो भाई बोलना काफी इम्पॉसिबल है। सो भाई पार्ट 2 में हम लोग एपिसोड 2 को कवर करेंगे और पार्ट 3 में एपिसोड 3 को और पार्ट 4 में एपिसोड 4 को। तो भाई स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग पार्ट्स एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।